हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एग्जाम गुरुजी। माय नेम इज काजल और आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स जैसे ICRGRF, BHU, JET, UP कैटेड और जितने भी स्टेट एडमिशन एंट्रेंस के लिए जितने एग्जाम्स होते हैं, वो चाहे PG के लिए हो, वो चाहे UG के लिए हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल सीरीज होने वाली है ये आपके लिए। और लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आप मेरे चैनल से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल जिसका नाम एग्री ओशन है, वहां से जाकर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें कि हमारा जो है विच वन इज एडिबल ऑयल सीड इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन है कैस्टर, सेकंड वन इज अ नाइजर, ठीक है, थर्ड वन इज लिंसिड एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द एबव। इसको भी साफ करते हैं थोड़ा। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन इज अ रूट टाइप, इसका रूट टाइप क्या है। तो पहला है हमारा शैलो रूटेड ऑप्शन है, सेकंड इज मॉडरेटेड रूटेड है, थर्ड वन इज डीप रूटेड एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, मींस डीप रूटेड टाइप होता है सोयाबीन। फिर थर्ड क्वेश्चन इज री इनफिल्ट्रेशन थ्रू सॉइल सर्फेस इज कॉल्ड, मीन्स इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सीपेज, सेकेंड इज क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन, थर्ड इज रन ऑफ एंड फोर्थ ऑप्शन इज परकोलेशन, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। परकोलेशन इज, परकोलेशन से री इन्फिल्ट्रेशन सॉइल सर्फेस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। लिटिल लीफ ऑफ लीची इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ, क्या होगा बताइए आप। कॉपर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड इज जिंक, थर्ड वन इज आयरन एंड फोर्थ वन इज सल्फर, विच ऑप्शन इज राइट। सेकंड ऑप्शन इज गोइंग टू राइट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड जिंक इज द राइट आंसर ऑफ लिटिल लीफ ऑफ लीची, से याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज अ सॉइल एसिड कैन बी रिक्लेम्ड बाय यूज ऑफ, सॉइल की जो एसिडिटी होती है उसको हम किससे रिक्लेम कर सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज जिप्सम, सेकंड वन इज लाइम, थर्ड वन इज लीचिंग, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट, एंड फोर्थ वन इज यूरिया। देन इट्स आंसर होने वाला है इसका लाइम, लाइम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा रियल सिक्स क्वेश्चन इज, रियल इरोजन कैन बी डिटेक्टेड इन द फील्ड एज, मतलब रियल इरोजन को हम फील्ड में कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे पहचानेंगे, ओवरऑल इसका मतलब ये है। और इसका फर्स्ट ऑप्शन इज अ माल्ट फ्लो के रूप में हम इसे देख पाते हैं या डिटेक्ट कर पाते हैं, या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं, या थिन मडी फिल्म में डिटेक्ट कर पाते हैं, या 3 मीटर की विड्थ तो बन जाती है, ये होता है रियल इरोजन। इसका राइट आंसर इज अ सेकेंड ऑप्शन, इन विच वी कैन ऑब्जर्व दैट द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन होल फील्ड वेयर इज इट अफेक्टेड विथ रियल इरोजन, मतलब रियल इरोजन से जहां पे भी इफेक्ट होता है वहां पे फिंगर लाइक पतली पतली स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। फिर है हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कौन सी फर्टिलाइजर प्रोड्यूस की गई थी इंडिया में, वो है हमारा SSP, मींस सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ इरोजन इज अ वेरी कॉमन थ्रू आउट इंडिया, कौन सा टाइप का इरोजन हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। वो पहला ऑप्शन है शीट इरोजन, सेकंड वन इज गली, थर्ड वन इज अ स्प्लैश एंड फोर्थ वन इज लैंडस्लाइड, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन, इज शीट इरोजन इज अ वेरी कॉमन इरोजन थ्रू आउट द इंडिया। And the fourth and the last question of this video is a whip tail in cauliflower is caused due to, किसकी वजह से होता है, किसकी कमी, किस न्यूट्रिएंट की कमी के वजह से हमें कॉलीफ्लावर में विप टेल देखने को मिलता है। ठीक है,
वो है पहला ऑप्शन मैग्नीज, सेकंड वन इज क्लोरीन, थर्ड वन इज मॉलिब्डेनम एंड फोर्थ वन इज मैग्नीशियम एंड द राइट ऑप्शन इज गोइंग टू बी मॉलिब्डेनम। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इसे याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह आता है, आता ही आता है, नो डाउट। और वीडियो अब तो खत्म हो गई, लेकिन खत्म होने से पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, एग्री ओशन से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, यू कैन डायरेक्टली गो एंड ज्वाइन मी देयर। और अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करना चाहते हो, देखना चाहते हो, अच्छी लगी तो उसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।